अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद और प्रोग्राम है टैलेंट वर्ल्ड। प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में जहां हमने मुल्की सतह पर इलाके का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मदऊ किया, वहीं ज़िंदगी के हर शोबा हाय से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे सितारों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जिनकी जगमगाहट से ये जहाँ ये इलाके रोशन हो रहे हैं। नाज़रीन, हर वो शख्स जो मुल्की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहा है, उसकी काबिल कदर काविशों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म के तवसत से उजागर करते रहेंगे। नाज़रीन, आज एक ऐसी फैमिली को हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना भरपूर नाम पैदा किया। ग्रास रूट लेवल से मुआशरा में नुमाया मकाम पाने वाली इस फैमिली की दास्तान मुसलसल जिद्दोजहद से इबारत है। फैमिली के सरबराह का तारुफ सबसे पहले कराना चाहूँगा। स्टूडियोज़ में हमारी दावत पर तशरीफ़ फरमा है मियाँ मंजूर हुसैन, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इस ख़ानदान का आबाई तौर पर लैया की तहसील करोड़ लालीसन के चक नंबर 98 ML से ताल्लुक़ है। अरसा 50 साल से बसिलसिला रोज़गार फैसलाबाद में मकीम रहे, इलाका की याद ने सताया और बड़े कारोबार के आगाज़ के लिए जगह का इंतखाब का मरहला आया तो इन्होंने चौक आज़म का इंतखाब किया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इनके फर्जंद मियाँ अली मंजूर और मियाँ बिलाल मंजूर। वेलकम। थैंक यू। नाज़रीन, ये बात काबिल ज़िक्र है कि मियाँ बिलाल मंजूर पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के शागिर्द हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जहाँ MTJ के नाम से मार्केट में अपना एक ब्रांड मुतारफ़ करवाया, वहीं उनके इन होनहार शागिर्द ने मियाँ बिलाल मंजूर ने भी चौकाज़म में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े प्लाजा की बुनियाद रखी, जहाँ लेडीज़ जेंट्स की क्लॉथ वैरायटी के अलावा मुख्तलिफ अकसाम के 12 ब्रांड्स मुतारफ़ करवाए हैं। नाज़रीन, इन्होंने तमाम मार्किट से हट कर मुख्तलिफ और इनफरादी कारोबारी उसूल भी अपनाए हैं जो इनकी कामयाबी की जमानत बन चुके हैं। वो उसूल और जवाबत हैं क्या, ये प्रोग्राम के दौरान हम इन्हीं से जानेंगे। नाज़रीन, मंजूर कलेक्शन के नाम से लैया रोड चौक आज़म में 3 मंजिला प्लाजा मजकूरा ब्रांड्स की न सिर्फ खरीदो फरोख्त का मरकज़ है बल्कि ख़ास बात यह है कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत भी मुल्क भर में ब्रांड्स की सप्लाई तवातुर से जारी है। नाज़रीन, इस ख़ानदान ने ग्रास रूट लेवल से तरक्की का ये सफ़र कैसे तय किया, किन मराहल से गुजरना पड़ा, आज जिद्दोजहद की ये दास्तान हम इस ख़ानदान ही की ज़ुबानी सुनना भी चाहेंगे और आपको भी सुनाना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले जनाब मियाँ मंजूर साहब, आज हम हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आप सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जिद्दोजहद का जो सफ़र था, ख़ासी जिद्दोजहद का, ये कैसे शुरू किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे बाप दादा हिजरत करके आए ना जी इंडिया से, जी जी, तो उन्होंने आगे थल का इलाका आबाद किया, इधर हमारी जमीन आबाद की, आबादकारी में जैसे आबादकारी रकबे मिला करते, रकबे मिला करते थे। ठीक। वो ना हमारे बाप भी दादा भी बहुत मेहनती थे, मजदूर आदमी थे, रोजगार नहीं था कुछ भी, और बस जमीने उधर उधर भी जमीनें संभालते थे इंडिया दौर। सही सही। तो इधर आए तो इधर आगे जमीन दी। यानी आपका खानदान इंडिया से माइग्रेटेड है? इंडिया से। ठीक ठीक। तो इधर आगे जमीनों पे आबादकारी की, तो 15 एकड़ जो हमें अलाट हुए। ठीक। 98 में। 5 भाई हैं हम। फिर बड़े भाइयों ने कोशिश की कि मजदूरी इधर नहीं थी, रोजगार इधर नहीं था। ठीक। तो फैसलाबाद चले गए सन 1971 में। अच्छा अच्छा। ठीक। बड़े भाई फैसलाबाद चले गए, वो फैसलाबाद काम करते रहे। फिर वाले साहब ने भी सोचा कि
अगर वो काम ही उधर करते हैं तो मैं भी फैसलाबाद चला जाता हूँ, वहीं पे शिफ्ट हो जाते, वहीं पे शिफ्ट हो जाते। सही। फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। हमारा जो काम है वो मजदूरी से शुरू हुआ। अच्छा। सारे वालद साहब भी मजदूर थे, दादा भी मजदूर थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार। सही सही। मेहनत और ईमानदारी जब सब हो तो फिर अल्लाह पाक खुद ही उसका हाथ पकड़ के आगे चला देता है। हाँ जी। तो हमें भी यही सिखाया हमारे बाप ने, दादा ने, जी, कि दो काम करने अपनी जिंदगी में, थोड़ी सी जिंदगी या गुजार के चले जाना। सही। मेहनत करनी है और ईमानदारी। सही सही। इबादत समझ के कर। मैं भी मजदूर आदमी था, बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद बाहर भी गया दूसरे मुल्क में, वहाँ पर भी मजदूरी की। सही। तो मजदूरी करके इन कठिन मराहल में, इस सफ़र में मुश्किलात तो बड़ी आई होंगी, कोई ख़ास मराहल ऐसे बताइएगा जिनमें आपको ख़ास तौर पे कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी हो। असल कारोबारी नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, मजदूर थे, तो अखराजात भी कम थे हमारे। जी जी। ठीक है। सोच भी कम थी उस वक्त, तो जितना कमाते थे मजदूरी के अंदर उसमें गुजारा कर लेते थे। जी जी। उसको हम तंगी नहीं कह सकते, हम शुक्र ही अदा करते हैं अल्लाह ताला का। ठीक है। तो कोई खुदा की जात है ना जी, जिस हाल में भी रखे शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करते हैं। जी जी। तो आज इस मुकाम तक पहुंचा मजदूरी करके। कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। आपने बताया कि शुरू से आप गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इन मराहल में आप ग्रास रूट लेवल से आप आगे आए हैं, तो इसमें जो तरक्की का आपने सफ़र तय किया, ये कितना अरसा लगा इसको आपको यहाँ तक पहुँचने में? 2001 में मैं ना बाहर गया था सऊदी, तीन साल बाहर रहा हूँ, वहाँ से मेहनत मजदूरी की, कोई थोड़े से पैसे जमा किए, फिर तीन में मैं वापस आ गया। तीन में वापस आके मैंने मेहंदी बिल्डर्स अपने बाप के नाम से काम शुरू किया। अच्छा। मेरे बाप का नाम है मेहंदी हसन। अच्छा, मेहंदी हसन। उनके नाम से मैंने मेहंदी बिल्डर्स के नाम से लाइसेंस बनवाया, गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवा के मैंने टैक्स पे करने के बाद मैं 2006 से काम शुरू किया बिल्डिंग लैंड का। बिल्डिंग लैंड का काम शुरू किया, वहाँ से मैं काम करता रहा बिल्डिंग लैंड का। अब जब बच्चे बड़े हो गए मेरे, बिल्डिंग लैंड में काफ़ी तरक्की मिली अल्लाह ताला का शुक्र है, तो मेहनत मजदूरी करता था, ठेकेदारी करता था, अपने घर बनाता था। सही। ऐसे ही ये मरहला तय हुआ। बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे थे, तो अल्लाह का शुक्र था 2007 से मैं टैक्स पे हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 2007 से मैं टैक्स पे हूँ, तो मैंने अपने बाप के नाम से वो काम शुरू किया था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप 2007 से टैक्स पेयर हैं। वैसे तो आजकल पाकिस्तान के कारोबार में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, कमाते बहुत हैं, छुपाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। आपने टैक्स दिया? मैंने 2007 से टैक्स दिया। आपकी कम दिया या ज़्यादा दिया, लेकिन दिया। मुल्क के साथ आपकी अच्छी मोहब्बत का अंदाज था ये। आप करोल अली संत तहसील से 98 ML से फैसलाबाद गए, तो उसके बाद ये जो तरक्की का सफ़र था, इसको हम आपकी तरक्की की इब्तदा तो कह सकते हैं ना जी, जैसे आप फैसलाबाद में पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँच के फिर आपने फैसलाबाद में क्या काम शुरू किया, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया? मेरे बड़े भाई जो थे सारे वो मजदूरी करते थे बिल्डिंग लाइन की। अच्छा जी। बिल्डिंग लाइन की मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी, ठेकेदारी। हमारा सारे फैमिली जो थी ना वो यही काम करती थी, बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग्स तैयार करना, नई बिल्डिंग्स, उसकी कॉन्ट्रेक्टरशिप लेते थे। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ से उनसे ही मैंने काम सीखा, वही काम शुरू किया उसी मजदूरी करते करते। उसी मजदूरी के तहत मैं बाहर गया था, तो भाई जब मैं गया हूँ मैं पैसे कमाने नहीं गया था, मैं सिर्फ हज करने गया था। अच्छा। उस वक्त वसाइल नहीं थे इतने। सही।
तो ये सोच लेके गया था कि मैं मेहनत मजदूरी तो इधर भी अल्लाह ताला रिस्क देता, वो तो साथ साथ होगी होगी, लेकिन आपकी तो अपनी खास नीयत जो थी वो आपकी थी अपने हज करना, हज करना। और फिर किया हज आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया, हज के बाद मैं जो सोच लेके गया था वहाँ पे वापस आया हूँ। वापस आने के बाद इधर काम करते हुए मैंने अपने सारे बच्चों को एक एक दो दो करके उम्रा हज, अच्छा, अपनी वाइफ को, लेकिन इधर काम करके, उधर से कमा के नहीं, अच्छा, इधर काम करने के बाद मैंने इनको बच्चों को, मेरे सारे बच्चों ने एक दो दो करके उम्रा भी किया। बाहर के ममालिक में लोग जाते तो हैं रोज़गार के सिलसिले में, लेकिन बड़ा टफ पीरियड होता है उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, बच्चे, बीवी बच्चे, वो तो यही समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में बड़े रियाल मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, बड़ी कमाई होती है, लेकिन जो वहाँ पे जाके काम करता है, मजदूरी करता है, ये उसे पता होता है कि ये रियाल डॉलर कैसे कमाए जाते हैं, उसे ही पता है, और वो वहाँ से भेजता है और पीछे बच्चे होते हैं ये जनाब अय्याशी करते हैं और वो उड़ा देते हैं उस दौलत को, और अगर कोई बचा ले तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। इनकी जैसी से मैं पहले ही आ गया था वापस, ये उस वक्त छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने इनको मौका नहीं दिया कि आपकी कमाई को ये इधर उधर कर दें। मैंने माशाल्लाह, मैंने भी इनको मौका दिया लेकिन इन्होंने भी मुझे मौका नहीं दिया ऐसा कि ये फजूल खर्ची करें। ये बहुत बड़ी गुड लक होती है इंसान की, अल्लाह पाक, ये भी एक अल्लाह पाक की इनायत है, अल्लाह पाक की एक नेमत है। तो आपने इतना बड़ा कारोबार शुरू करना चाहा और फिर आप चौकाज़म पे आ गए, एक छोटे से शहर में, छोटा सा इलाका, एक कस्बा टाइप चौकाज़म। जी जी, तो ये क्या सोचा आपने, क्या आपने इसको एस्टिमेट लगाया, कैलकुलेट किया कि मैं इस इलाके में आके बिजनेस, जबकि आप फैसलाबाद में थे, फैसलाबाद तो बिजनेस का हब है। मैं तो इतने बड़े कारोबार का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जी जी, इंसान कमज़ोर हो जाता, उनकी माननी पड़ती है, ठीक है, कमज़ोर हो जाता। तो मैंने जब बच्चों को, ये मेरे बड़े बेटे हैं, इसको काम सिखाया, काम पे लगा, ये कपड़े के काम पे। मेरे दोस्त थे फैसलाबाद में ना, शेख फैमिली से ज़्यादा इनके जो उस्ताद, वो कहते थे मियाँ साहब जब तक काम सीखेगा नहीं तो दुकान नहीं डाल के देनी। अच्छा, हाँ ये तो है, पहले एक्सपीरियंस, तजुर्बा। जैसे 3-4 साल काम सीखा, मैंने पूछा आप शेख साहब दुकान बना दें, उनका नहीं, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा बच्चा काबिल हो गया, दुकान बनाई फैसलाबाद के। कता कला नहीं करूँगा, आपने मशवरा किया शेख साहब से, और शेख साहबान तो बिजनेस में वैसे ही बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस होते हैं। जी जी, वो सबके सियाने सियाने काउंट किए जाते हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी जी, तो फैसलाबाद में हमने शॉप बनाई। अच्छा, फैसलाबाद में शॉप बनाई, शॉप बनाने के बाद बेटे ने काफ़ी मेहनत की वहाँ पर। तो दूसरा बेटा मेरा बिलाल मंजूर जी, वो मौलाना तारिक जमील साहब के पास जी जी पढ़ता था, पहले एफएस किया, फिर उल्मा का कोर्स किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वकालत में भी दाखला ले रहा। अच्छा, जब ये आया तो ये कहने लगा पापा मैंने दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलों में शाखें बनानी हैं फैसलाबाद। ठीक, तो जब इसने कहा तो मेरे दिल में मोहब्बत थी जिला लिया की, मट्टी थी इधर की, मट्टी से हवाई इलाका था ना, पुरानी इलाका, पुरानी यादें आ गई ना इलाके की। तो एक तो मैं इनसे बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बाप पे काम, बाप के नाम से काम शुरू किया था, मेहंदी बिल्डर्स के जी, 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 जी। मैं उस वक्त उम्रे पे था जब इन्होंने काम शुरू किया, पीछे से दुकान बनाई। अच्छा, इन्होंने मेरे नाम से शुरू किया। ठीक, अगर मैं शुरू करता तो मैं बच्चों के नाम से शुरू करता, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत, इन्होंने पिछली रिवायत को दोहरा दिया, दोहरा दिया। आपने अपने वाले साहब के नाम पे शुरू किया तो इन्होंने आपके नाम पे, मेरे नाम पे शुरू किया। दैट्स राइट। तो जब मैंने इन्हें कहा बेटा अगर आप उधर विजिट कर लें, जिला लिया का, इस इलाके का विजिट कर लें, अगर आपने पहली शाख बनानी है तो पहली शाख आप इस इलाके में सेलेक्ट कर लें, देख लें अगर पसंद आता। तो ये बच्चे आए हैं, इन्होंने विजिट किया। अच्छा, विजिट करने के बाद मुझे बताया कि पापा ठीक है, इलाका बहुत सुकून है, सही, तो हम उधर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, बाकी ये सारा बच्चे बताएंगे, क्योंकि बच्चों की ही मेहनत है कपड़े में, मुझे कपड़े के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने तो मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुँची। जगह तो आपने ठीक चुनी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के नक्शे में देखे ना जी, दोनों तरफ अतराफ से, तो लिया जो है, लिया ज़िला, ये बिल्कुल सेंटर है पाकिस्तान का,
और फिर लिया में अगर चौक आज़म को देखें तो चौक आज़म इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। एक तो वो मिनी मीनार पाकिस्तान एक बड़ा सिंबल है इसका, चौक आज़म का। तो दूसरा ये बात बड़ी मशहूर है चौक साहब के, चौक आज़म पे बैठ जाओ तो वहाँ पे आपको पाकिस्तान के कोने कोने की ट्रैफिक मिल जाती है, ट्रैफिक मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा चौक है ये। नाज़रीन बात करते हैं चौधरी मंजूर साहब के बेटे अली मंजूर से, और इनसे पूछते हैं कि आपके वालिद साहब आपके साथ कितने शफीक हैं, कितने मोहब्बत करने वाले हैं, आपको कैसे डील करते हैं, और ये जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया तो इसमें वालिद साहब का आपके साथ क्या किरदार था, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा से जो है वो एक चीज़ रही है कि वालदैन हमेशा से अपने बच्चों का ही सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, और जो सोच जो मतलब उनका एक होता है कि ये अचीवमेंट्स जो हमने ज़िंदगी में नहीं की या जो कमियां रह गई हैं वो हमारे बच्चों में ना हो, वो जो है वो उसको बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को और अपनी जो है ना एम्स को अचीव कर सकें। तो उसमें जो है वो हमारे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इनकी स्ट्रगल को देखते हुए हमारे अंदर एक जस्तजू पैदा हुई कि ये अगर इतनी स्ट्रगल करके हमें इस लेवल तक लेके आ सकते हैं उसको कंटिन्यू हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक मतलब ज़ीरो से समझ लें 10 पे आ गए हैं या 50 पे चले गए हैं, 50 से 100 हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो अल्लाह का ख़ास एहसान है, करम है कि अल्लाह पाक ने जो है वो ये तौफीक दी और हमने मेहनत की और वालिद साहब ने जो है वो हमारे साथ हर तरह का दिन रात कोऑपरेट किया। अगर हमने जो है वो किसी भी किस्म का कोई मतलब डिसीजन लेने का सोचा तो इन्होंने अप्रिशिएट किया और बेहतर एक मशवरा दिया कि आप जो है वो इसको ऐसे करोगे तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। मतलब कि इनका आपकी शख्सियत पे और आपकी परवरिश पे नहायत पॉजिटिव असर है। बिल्कुल, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने मेहनत की, एक स्टेज पर आए, एक लेवल तक आए, और आपने फिर उस स्टेज को पकड़ा और वो खूब से खूब तर की तलाश में जैसे जिद्दोजहद और मेहनत करना पड़ती है ये आप लोगों ने शुरू की। आपने ब्रांड्स लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो ये ब्रांड्स लेने का ख्याल कैसे आया? वैसे तो आजकल जो सब मैं तो ये देखता हूँ कि माशरे में ये ब्रांड का एक ऐसा रिवाज पड़ चुका है कि फैमिलीज में बच्चों में अगर देखा जाए तो ब्रांड से नीचे नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं। जबकि जब तक ब्रांड्स नहीं थे तब भी तो मार्केट में अच्छी से अच्छी चीज़ मिला करती थी, तो अब क्योंकि ब्रांड्स का एक नाम पड़ गया है, ब्रांड्स की एक शिद्दत से उसकी चाहत हो गई है बच्चों में सबके, तो मेरा ख्याल है आपको भी यही चीज़ें देख के फिर ब्रांड लाने का शौक पैदा हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो ये इलाका है चौक आज़म का, यहाँ पे आपको पता है कि ब्रांड्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उस एतबार से लोगों में इतनी जो है वो अवेयरनेस भी नहीं थी ब्रांड की, और दूसरा अगर किसी को कोई ब्रांड की अवेयरनेस थी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था जी। ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कि यहाँ पे जो है ना ये बड़ा मसला था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम जो है कोई रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो यहाँ पर ब्रांड्स लेके आए ताकि जो है वो एक आम आदमी भी ब्रांड का सूट पहन सके। अब देखिए नहीं, चौक आज़म एक मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कस्बा है, छोटा सा कस्बा है, और ब्रांड्स जैसे आप फरमा रहे हैं कि ब्रांड्स काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, तो ब्रांड्स आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं और अच्छे खासे ब्रांड्स आप लेकर आए हैं, तो चौक आज़म के जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनका फिर क्या उस पर आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स क्या? उनका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ा अच्छा फीडबैक उन्होंने हमें दिया है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत चाहत हमें मिली है अपने आबाई इलाके से, और उसके बाद जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि आप जो है वो किसी बड़े शहर की निस्बत यहाँ पे आए हैं ताकि जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस दी जाए और जो है ना वो ब्रांड्स एक कम कीमत पर लोग मतलब मुहैया किए जाएँ लोगों को कम कीमत पर, तो इस वजह से जो है वो लोगों ने काफ़ी मोहब्बत दी है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में आज हमारे बहुत ही खूबसूरत और बड़े टैलेंटेड हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में। आज हमारे पास मेहमान मौजूद हैं और मियां मंजूर साहब के बेटे इस वक्त मियां बिलाल मंजूर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी हुई, मंजूर साहब ने बताया कि हाफिज़ कुरान भी हैं, आप नौजवान हैं, बिजनेस में आए हैं, आजकल तो दुनिया सारी डिजिटलाइज हो गई, आपको ये ब्रांड्स की प्रमोशन और इसको चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दुनिया रोज़ाना बरोज़ाना तरक्की की तरफ जा रही है ना, तो मैं जब कारोबार में आए आके बाज़ार में देखा कि जिस एतबार से शुरू से वो बड़े चल रहे हैं, उन्होंने जैसे बड़ों को देखा कि जी माल आ गया फैक्ट्रियों से और वैसे कटिंग पैकिंग हो गई और आगे दुकानदारों को सेल कर दिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही और उसको उभारा नहीं जा रहा और लोगों को दिखाया नहीं जा रहा। जैसे हम बचपन में देखते थे कि हमारे पास फ़ोन्स होते थे तो बटनों वाले फ़ोन होते थे, वही इस्तेमाल करते थे हम, और आज की जो जनरेशन है वो छोटा सा बच्चा आता है और वो फ़ोन पकड़ा होता है, टच फ़ोन मुझे पकड़ाएं और मैं इस्तेमाल करूँ, तो फिर जेन में आया कि क्यों ना इस सेटअप को इसको ऑनलाइन लाया जाए। और आज की जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि मेहनत ना की जाए, उठा ना जाए, सिर्फ बैठे हुए मोबाइल पे हर चीज़ देखने को मिल जाए। तो हमने फिर सोचा, भाई से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद ऑनलाइन सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया और आज की न्यू जनरेशन इस तरफ जा भी रही है और आइडियाज़ भी आते हैं, जेन में भी आता है ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट किया कि आप जहाँ पर भी घरों में बैठे हुए हैं, किसी भी जगह बैठे हुए हैं, मंजूर कलेक्शन के नाम से फेसबुक पे पेज बनाए, इंस्टाग्राम पे पेज बनाए, यूट्यूब पे चैनल बनाए, आप घर बैठे हुए आराम सुकून से व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी के सारी अपडेट्स हासिल कर लें। और ये भी मैं एक चीज़ बता दूं कि बाज़ार में बहुत मुश्किल है कि एक दुकानदार अपने रेट्स दूसरे दुकानदार के सामने बता दे, ये भी बहुत मुश्किल है। हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन की दुनिया में सबको सामने बता दिया जी मंजूर कलेक्शन ये रेट्स आपको दे रहा है और ये चीज़ आपको मिलेगी। आप वो चीज़ की बेशक बाज़ार में किसी जगह किसी सिटी में किसी शहर में बैठे हैं, आप उसको बाज़ार में जाएं, उसकी तस्दीक करवाएं, ऑनलाइन पे ऑर्डर्स मंगवाएं कि जी इसका क्या रेट चल रहा है, आपको इंशाल्लाह उसमें डिफरेंस भी मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक दुकानदारों के सामने, ताजर लोगों के सामने रेट्स को बार के बता दें कि जी हमारे ये रेट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेट्स सारे के सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, आप ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्सल जा रहे हैं, वो किसी भी कंट्री के अंदर आप मंगवा सकते हैं। यानी ये डिजिटल आइडिया भी आपका था? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मौलाना तारिक जमील साहब के शागिर्द रशीद भी हैं, उन्होंने एक ब्रांड बनाया, क्या आप उन्हीं को देख के इंस्पायर हुए और फिर इस साइड पे आ गए ब्रांड्स की जानिब? मौलाना हमारी तरबियत में थे, पहले सबसे पहला जो तरबियत का आगाज़ होता है वो माँ बाप करते हैं और फिर उसके बाद उस्ताद करते हैं। तो ये दो हस्तियाँ मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरे वालिद साहब थे, मैंने बचपन से इनको स्ट्रगल मेहनत करते हुए देखा और फिर अब हम बैठे हुए सारे तो अबू ने मशवरा किया जी मैं हाफिज़ बनाना चाहता हूँ, कौन बनेगा? मैंने कहा मैं बनूँगा, हाफिज़ बनने की लाइन में गया। और फिर ये सुना माशरे में जी मौलवी, मौलवी तो बाज़ार में आ ही नहीं सकता, मौलवी तो सिर्फ चंदे पे है या मस्जिद पे है, वो सिर्फ यहाँ से फ़ंड लेता है, वो सिर्फ ज़कात पे रहता है, वो ये चीज़ है। फिर उस्ताद ने समझाया कि नहीं, मौलवी सिर्फ यहाँ पे नहीं रहता, मौलवी ताजर भी बन सकता है, मौलवी तिजारत भी कर सकता है। फिर उस्ताद ने ये दूसरा सबक पढ़ाया कि नहीं, आप अगर मेहनत है, मेहनत वाले साहब से सीखी और तिजारत जो उनसे जाना किस तरफ है वो उस्ताद ने बताया कि नहीं, मौलवी बनने के बाद तिजारत भी की जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तिजारत की तरफ आए और फिर MTJ 26 को लॉन्च हो रहा था कराची के अंदर और 20 को अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के साथ भी मुलाकात थी, तो 20 को हम तुलम्बा में थे मौलाना के घर पे, तो वहाँ पे उनके बेटे हैं यूसुफ जमील साहब, वो भी हमारे उस्ताद हैं, तो उनसे भी गपशप हो रही थी, तो उनको भी मैंने बताया ऐसे ऐसे ब्रांड लॉन्च किया है। तो MTJ से यानी जब वो
रास्ते में था, मैं तो ये कहूँगा जब वो रास्ते में था, बनने की तरफ जा रहा था, जब उस पर मशवरे हो रहे थे, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह हम डिसाइड कर चुके थे कि मंजूर कलेक्शन एक ब्रांड लॉन्च किया जाए, ताकि उस्ताद भी मौलाना तारिक जमील साहब उस्ताद भी ब्रांड लॉन्च करे और मेरा भी एक ब्रांड लॉन्च होना चाहिए, ताकि उस्ताद से भी मशवरा हो रहा था और उनके बेटे से मेरा मशवरा हुआ ना, तो यूसुफ जमील साहब हमारे उस्ताद भी हैं, तो उनसे मशवरा करते हुए मैंने उनको सामने दो चार बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपने उस्ताद के साथ, अगर उस्ताद के नक्शे कदम पे चल रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी के मोहताज नहीं बन रहे। अब तिजारत है, तिजारत में आप किसी के मोहताज नहीं हो, और हदीस का मफहूम भी है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारा हाथ ऐसे होता है, हमारा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। बुखारी की हदीस भी है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है, तो हाथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, और उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही सिखाया कि हाथ आपका देने वाला ही होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ब्रांड, वैसे भी देखा जाए तो देखे ना जी, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी तिजारत की और तमाम सहाबा कराम उनके साथ थे, उनके जितने भी थे सब तिजारत को ज़्यादा उन्होंने फ़रोग दिया। अच्छा, तो कौन कौन से ब्रांड्स आप लाए हैं फिर? ब्रांड्स में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमने जो लॉन्चिंग की, ज़ाहरी बात है जो भी किसी भी फील्ड में जाता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो देखा कि ब्रांड्स कौन कौन से हैं, उसमें हमने सूटिंग के अतबार से, लेडीज़ सूटिंग के अतबार से ब्रांड्स लॉन्च किए, फिर हमने जेंट्स के अतबार से ब्रांड्स लॉन्च किए, इसमें हमारा बिन मंजूर के नाम से ब्रांड चल रहा है, सिनान, हफ्सा, नूर, हमदा, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स 11-12 ब्रांड्स हैं जो हमारी अपनी पट्टियाँ जो छप रही हैं। इसके अलावा जेंट्स के अंदर भी ब्रांड्स लेके आए, फिर रेशमी के बारे में भी फरमाइशें आने लगी जी, रेशमी को भी लेके आए, फिर रेशमी में भी ब्रांड्स आए, फिर बेडिंग के हवाले से आने लगी जी, अब रज़ाई, तकिया, कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल करके इस पर भी वर्किंग करके इसको भी लॉन्च किया, फिर उसके बाद अभी टॉयज़ के हवाले से फरमाइश आई कि जी आपके मॉल में टॉयज़ भी होने चाहिए, फिर रब्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से हमें टॉयज़ आ रहे हैं, चाइना से टॉयज़ भी आए, फिर गारमेंट्स वाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी चीजों में हम डील कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे ये सारी चीजें रखी हुई हैं। कस्टमर की डिमांड आती है ना जी, कस्टमर खुद बताता है कि उसको क्या चाहिए और बिजनेस उसकी डिमांड के साथ साथ फिर एस्टेब्लिश होता जाता है। सुना है कि आपने अपने बिजनेस में, अपने इस कारोबार में बड़े कवानीन और जवाबत को लागू कर रखे हैं, वो हमें कुछ बता दें, हमारे नाजरीन भी देख लें कि बिजनेस के लिए कौन कौन से कवानीन और जवाबत जरूरी होते हैं, तो वो बताइए जरा। स्ट्रगल और मेहनत जो थी शुरू में, जो काम सीखा था वो भाई ने सीखा था, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, तो बहुत कुछ चीज़ों ने सिखाया। तो जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मैं भाई से पूछता कि ये दुकानदार ने लिख के लगाया हुआ है शिलिंग किया हुआ सूट वापस नहीं होगा, तो मैंने कहा कि कपड़े का पता कैसे चलेगा, वो ख़रीदने वाला कौन सा एक सूट ख़रीदता है और जाके लेबोरेटरी में चेक करवाता है कि इसको चेक करके मुझे बताएं ये है कि नहीं है, मैं शिलिंग करूं ना करूं। तो फिर मैंने पूछा कि ये क्यों है, उन्होंने कहा शिलिंग किया हुआ, शिलिंग जो उनसे सबसे पहले सूट लेते हैं उसे शिलिंग करते हैं तो फिर उसका कलर का पता लगता है, तो वो कलर का पता कैसे लगेगा। मैंने कहा कि ये कानून जो उनसे ना ये निकाल देना चाहिए, ये कानून यहाँ पर ये होना चाहिए, शिलिंग करें और फिर उसके बाद अगर ख़राबी होती है तो फिर वापसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी है कि आप स्टॉक लेके गए हैं, फ्रेश स्टॉक फ्रेश लेके गए हैं, और आपको घर जाने के बाद भी मूड चेंज हो जाता है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन लेके जाती हैं और घर जाने के बाद कहते हैं उधर लाइट ज़्यादा थी, उधर बच्चों ने तंग किया हुआ था, मुझे ये बच्चे ने तंग किया हुआ था, इसकी वजह से मैं देख ही नहीं पाई मैं कलर कौन सा ले। तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 7 दिन के अंदर अंदर आप फ्रेश स्टॉक, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप वापस लें, वापस आके कोई और ब्रांड लेना चाहें वो ले लें, आप कोई पैसे लेना चाहें पैसे वापस ले लें, कोई भी चीज़ रिटर्न करना चाहें। अगर ख़राबी निकल आती है, आप शेलिंग करते हैं मिसाल के तौर पे, दुकानदार से सूट लाते हैं तो लाने के 4-5 दिन के बाद मसरूफियात हो गई, 4-5 दिन के बाद शेलिंग किया, उसका कलर उतरा तो गए जी आपको 4 दिन हो गए हैं या 5 दिन हो गए हैं, तो 15-20 दिन महीना भी हो जाए तो शेलिंग किए हुए में अगर भी ख़राबी निकल आए तो वो ख़राबी भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस ली जाती है कस्टमर से। और ये सिर्फ ख़रीदार के लिए नहीं है, जो ऑनलाइन मंगवाते हैं ना हमसे, उनके लिए भी यही पॉलिसी है कि वो 7 दिन के अंदर घर पार्सल पहुँचता है, पार्सल लिया उसने पसंद नहीं है, वो कहता है मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, मेरे पैसे रिटर्न कर दें, तो वो पैसे भी रिटर्न। वैसे ख्वातीन का तो वाकई ऐसे बिजनेस में तो बड़ी उनसे वो तलखियां भी हो जाती हैं दुकानदारों की, क्योंकि वो बहस ज्यादा करती हैं,
मर्दों की निस्बत। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतना बड़ा प्लाजा बनाया, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है आपका, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ लाइटिंग और ये शीशे वीशे बड़े होते हैं, लशपश होती है, तो क्या इस इलाके के लोग वहाँ पर आने से कतराते तो नहीं है? ये हाँ जी मियाँ, आप मियाँ साहब बताइए, इस ऐसे माल में, बड़े माल में लोग, क्योंकि लाइटिंग होती है बड़ा, इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि बड़े सिटीज़ के अंदर तो ये चीज़ें कॉमन चलती हैं कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं तो लोग वहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं। इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस लेके आनी थी अपने आबाई इलाके में, ताकि जो है वो इस इलाके का कोई कर्ज ना रहे हम पे, इस इलाके के लोगों को भी पता होना चाहिए कि बड़े शहरों में ही मॉल्स में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, और ऐसी जगहों पे भी आप जो है वो मॉल्स में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। लोगों को हिचकिचाहट अगर थी भी तो वो ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो अच्छे तरीके से कस्टमर्स को डील किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो जितनी बेहतर से बेहतर हो सकें उसको मज़ीद करें, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि मॉल के अंदर रेट्स हाई नहीं होते, और फैसलाबाद वाले ही रेट्स जो हैं वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। फैसलाबाद में हमारा बेसिकली होलसेल का बहुत बड़ा सेटअप है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इस सेटअप को लेके आए हैं ताकि यहाँ पे भी मॉल के अंदर भी होलसेल रेट्स के अंदर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बड़े शॉपिंग मॉल में जाने से ना कुछ ये जो मीडियम लेवल के लोग होते हैं ये कतराते हैं कि हो सकते हैं यहाँ पे महंगाई होगी, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये उसी हिसाब से फिर ये कस्टमर से निकालते हैं, तो ये एक बड़ा एक नेचुरल सा ट्रेंड है कस्टमर के ज़हन में होती है ये जो है वो। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी जो है वो इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं, क्योंकि जो है वो आपको पता है कि हर जगह के ऊपर जो है वो एक सर्कल होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसके अंदर जो है वो होटलिंग में भी एक सर्कल होता है कि इनके रेट्स जो हैं ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार है, ये 7 स्टार है, ये नॉर्मल होटल है, तो उनके रेट्स ज़रूर होते हैं, पर हमारा जो है वो क्वांटिटी पे दारोमदार होता है सारे सेटअप का। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जब क्वांटिटी सेल होती है ऑनलाइन बेसिस पे या फैसलाबाद वाली हमारी मेन ब्रांच पे, वहाँ पे फैसलाबाद में भी हमारा ऑनलाइन सेटअप है और यहाँ पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी अच्छा ऑनलाइन सेटअप लगाया है, उसके अंदर जब क्वांटिटी पे बात जाती है तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है, इसलिए जो है हम इतने रिजनेबल रेट्स जो हैं वो दे रहे हैं मार्केट में। ठीक, अच्छा ये बताइए आपने एजुकेशन कहाँ तक ली? मेरी जो है वो मैट्रिक है। अच्छा, इससे आगे फिर कारोबार में चले गए? उसके बाद जो है वो मैं काम सीखने लग गया था कपड़े का, और इसके अंदर ही कंटिन्यूसली जो है चल रहा हूँ। वरना आजकल तो पढ़े लिखे नौजवान वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, दफ्तर में बैठ के हम जॉब करें, हमें कोई स्ट्रगल ज़्यादा ना करनी पड़े, तो नौजवानों की एक तजस्सुस होता है, लेकिन आप शुरू से ही कारोबार में आ गए? शुरू से ही कारोबार में है। आपको पता है कि जो लोग ज़्यादा नहीं मतलब एजुकेटेड होते वो भी तो जो है ना वो जॉब के पीछे ही हैं, वो भी कोई हुनर नहीं सीखते कि हुनर सीखा जाए, ठीक है, काम कोई भी, ये हमने अपने वालिद साहब से सीखा है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम जो है वो काम ही होता है और आपकी पहचान भी आपके काम से ही होती है, तो ये है कि उसके अंदर जो है वो कोई हुनर सीखा जाए, ठीक है, या कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया जाए, ऐसा ऐसा अल्लाह पाक जो है उसमें बरकत दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, वरना तो आजकल जो सब कारोबार, एक ये भी ट्रेंड आ गया हमारे माशरे में कि पढ़े लिखे नौजवान MBA MSc MPhil किया हुआ है, मैंने खुद देखा है, लेकिन वो इतने लेवल तक पढ़ के फिर वो कारोबार में आते हैं, वो कहते हैं जी कि डिग्रियाँ लेके पढ़ के जब हम कारोबार में बैठेंगे तो फिर कारोबार का मज़ा ही और होता है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब आता है, क्योंकि नौकरी तो वैसे नहीं है इस मुल्क में आजकल, तो अगर किसी को सोर्सेज हों, वसाइल हों, वो कारोबार में बैठ जाए, तो अगर साथ तालीम भी हो और साथ साथ कारोबार भी हो तो फिर तो और ही मज़ा आता है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ बस, 80% पाकिस्तान के लोग जो बिजनेस मैन जी वो अनपढ़ है। सही है, अनपढ़ बनने में थोड़ी दिलेरी ज़्यादा होती है, पढ़ने लिखने के बाद बंदा शऊर रखता है, समझदारी से काम करता है, वो सोचता है मैं डूब भी ना जाऊँ अगर ये काम करूँ, रिस्क ना लूँ किसी चीज़ का भी, वो ज़्यादा वहम का शिकार हो जाता है, डिसीजन नहीं कर पाता। अनपढ़ बंदों ने, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लड़कों के हमने इंटरव्यू किए हैं जी, सोच से पाला कि इतना इतना पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ, सही, ठीक है,
तो अनपढ़ बंदे को पता होता है, दरमियाना पड़ा हुआ उसको पता है कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार करना अगर कोई मसला मसैल हो गया तो फिर मजदूरी कर लूँगा। पढ़े लिखे बंदे के पास चांस नहीं होता, पढ़े लिखे तकरीबन 90% लोग जॉब ढूंढते हैं। सही चौधरी साहब, आपसे गपशप हो रही है, और भी कुछ सवाल करेंगे आपसे, आपके कारोबार के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो फिर एक वक्फे का टाइम हो जाता है। नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां मंजूर, जो कि चौक आज़म के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा प्लाजा बनाया है। चाचा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कारोबार माशाल्लाह आपने शुरू किया, ये कितना अर्सा हुआ इसको शुरू किए हुए? इसको कोई इतना ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, तकरीबन 4-4.5 साल हुए। 4.5 साल, तो इसमें माशाल्लाह कितनी एक्सटेंशन हुई, कितनी वसत मिली आपके कारोबार को? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फजल किया कि हमारी मेहनत से नहीं मिला हमें, तो मेहनत करें अगर तो हमारा तो जो रिज़्क खाते हैं, कोई एक दाना भी खाते हैं वो भी नहीं अदा कर सकते इस मेहनत से। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला के फजल व करम से सारा कुछ हुआ। अल्लाह ताला ने औलाद भी नेक दे दी, ठीक है, फर्मा बरदार दे दी, अब इन्होंने काम संभाला आगे से। अब मेरा जो प्रॉपर्टी का जो मैं काम करता था मेहंदी बिल्डर्स के नाम से, वो भी मैंने मेहंदी बिल्डर्स को ही जो मैं टैक्स पे करता था वही मंजूर कलेक्शन के अंदर मैंने कन्वर्ट करवा कन्वर्ट कर दिया। अब ये बच्चे ही करते हैं तो मैं तो इनके सर पे बैठा हूँ, ठीक है, तो इनको मेरी ज़रूरत है तो इनके साथ ही हूँ। मेरे बड़े बेटे का तो कोई दोस्त भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, वेरी गुड, कोई दोस्त नहीं है। सही, इसका दोस्त भी मैं ही। ठीक, वो फील्ड में रहा, पढ़ता रहा, उलमा का कोर्स करता रहा, उसके कुछ चंद दोस्त हैं। सही, तो लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे भी जैसे वो कहते हैं ना जी, सियाने कहते हैं कि बाप को अपनी औलाद के साथ बड़ा एक दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। जी जी, ऐसे ही है। उसको अपना दोस्त बनाओ इससे पहले कि कोई उसका दोस्त बने। और जब बाप बेटा एक दोस्त के माहौल में काम करते हैं, घर में रहते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी है, उसका फिर अपना ही मज़ा होता है, एक बड़ा एतमाद की फ़ज़ा होती है। चाचा साहब, आप पूरे पाकिस्तान में डील करते हैं, बिजनेस को डील करते हैं, ब्रांड्स को, तो कितने लोग आपने रखे हैं, और ये लोग जो आपने रखे हैं, स्टाफ रखा है, ये वहीं से फैसलाबाद से लाए या फिर ये चौक आज़म के इलाके से भी आपने कुछ हायर किए लड़के? नहीं, फैसलाबाद से तो मेरे बच्चों की भी सोच नहीं थी कि हम फैसलाबाद से लेके आए, तो अगर फैसलाबाद से या लाहौर से कहीं से लेबर आती जी जी, तो ये मेरे इलाके के साथ तो नाइंसाफी होनी थी ना, इनके साथ तो इंसाफ नहीं था। बिल्कुल, हम वहाँ से ही अजम करके आए थे फैसलाबाद से कि हम जाएंगे वहाँ पे, वहाँ के ही लोगों को रखेंगे, चौक आज़म के ज़िला लिया के अंदर से ही लोगों को जॉब देंगे। सही है, तो माशाल्लाह कितने के लोग आपके? 100 से ऊपर हैं जो हमारे पास स्टाफ है ना, अभी 100 से ऊपर हैं, सारे ज़िला लिया के ही हैं, कुछ चौक आज़म के, फतेहपुर के, कुछ लिया के, इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, फैसलाबाद से सिर्फ कुछ चंद लड़के आए हुए हैं इनको ट्रेन करने के लिए। सही है, बाकी सारा अमला इधर का ही रखा। ये जैसे ये कोरोना ने बड़ा डिस्टर्ब किया पिछले साल 1.5 साल से, और बड़ा ख़ास तौर पे ये जो मज़दूर तबका था, छोटा तबका था, ये बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो आपके पास ये जो लोग काम कर रहे हैं 100 से ऊपर, इस कोरोना के दौरान आप लोगों का रवैया उनके साथ कैसा रहा? आपने उन्हें अकोमोडेट किया जैसे ये इदारे बंद हो जाते थे, बिजनेस बंद हो जाता था, लॉकडाउन हो जाता था, तो उसमें स्टाफ के साथ आपका रवैया कैसा रहा? पिछले दिनों में मैंने सोचा था कि कुछ ना कमी कर दें इनमें, स्टाफ कम कर दें, क्योंकि दुकान तो खुलती नहीं थी फैसलाबाद वाले भी। सही, अक्सर पुलिस वाले आ जाते थे, बंद करवाते थे, उसकी वजह से कोरोना की लॉकडाउन था। सही, मैंने अपने बेटे से कहा बेटा इनकी ना तादाद कम कर दो। फैसलाबाद में माशाल्लाह कुछ 50 से ऊपर लड़के। ठीक,
तो अमला उधर भी ज़्यादा कुछ ठेके पे लगे हुए हैं कुछ पे, ये खामोश हो गया। मैंने जब दूसरे दिन दूसरी मरतबा कहा ना, कहता हाजी साहब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं किसी लेबर को छुट्टी करवा रहा। मैंने फिर इसको कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर नहीं दिल करता तो अल्लाह माला का कोई बात नहीं, एक लेबर की भी छुट्टी नहीं करवाई, रहे हम बहुत परेशान हैं, कभी पुलिस आ गई कोई दुकान खोल ली, कभी थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो डाला आ गया, बड़े डिस्टर्ब, शटर बंद करें जी, कई मरतबा शटर बंद करके अंदर बैठे हैं, खुद कोई हिसाब किताब भी कर रहे हैं, पुलिस आ गई वो देखा ताला खुला हुआ, तो ऐसे बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का फजल है, बच्चों ने बच्चों की सोच ही और इन्होंने एक लेबर को भी छुट्टी नहीं करवाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये था एहसास, एक गरीब का एहसास किया तो आपने उनका एहसास किया तो अल्लाह पाक उसका देता है जी, उसका अजर तो ज़रूर देता है। अच्छा ये माशाल्लाह दोनों बेटे आपके साथ टैलेंटेड हैं बड़े बिजनेस में, तो आप बिजनेस वाइज इन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या आप मुतमिन हैं कि ये ठीक चला रहे हैं आपका कारोबार? मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, मैंने आज तक कभी किसी चीज़ का हिसाब ही नहीं लिया, मैं इतना मुतमिन हूँ। दो बेटे फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, दो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक उधर चला जाता दूसरा इधर आ जाता। आज तक मैंने जब से ये काम कर रहे हैं तो मैं इतना मुतमिन हूँ कि मैंने इनको नहीं कहा कि इधर मुझे कोई हिसाब दो, यानी इसकी आपको जरूरत ही महसूस, मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई बिल्कुल, मैं बहुत मुतमिन हूँ इनसे, अल्लाह का बड़ा सही। अच्छा ये अली आप बताइएगा कि शादी ब्याह के हिसाब से जैसे लोगों की एक ख़रीदारी का एक ट्रेंड होता है, बरी लेनी होती है, जहेज़ के कपड़े लेने होते हैं, तो क्या आपने अपने माल में हर किस्म का ये वैरायटी रखी हुई है? और उसके उसके दूसरी शिक में आपसे ये पूछना चाह रहा था कि रेट्स के हवाले से, क्योंकि हमारे कस्टमर की पोजीशन कोई लो लेवल पे होता है, कोई मीडियम लेवल पे होता है, कोई हाई लेवल पे होता है, तो क्या आपने ये कलेक्शन जो रखी हुई है इस हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, ये हर किस्म की आपका मौजूद है आपके पास? इसके अंदर जी हमने बिल्कुल जो है वो हर एक तबके का, हर एक सोसाइटी का ख्याल करते हुए जो है वो सारे मतलब जो है ना वो चीज़ों को मैनेज किया है, ताकि कोई अपनी रेंज में कम रेंज में सूट लेना चाहे तो उसे वो भी अच्छा और मियारी सूट कम कीमत पर मिल जाए। उसके बाद जैसे शादियों में आपको पता है कि लहंगे वगैरह चलते हैं, मैक्सियाँ चलती हैं, लेडीज़ के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रेंज की और हर एक क्वालिटी की जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा बेडिंग के अंदर आपको पता है कि जो है वो जैसे विंटर का सीज़न आ रहा है तो उसके अंदर जो है वो कंबल वगैरह चाहिए होते हैं, बेड शीट्स वगैरह चाहिए होती हैं, अरज़ाई कम्फर्टर सेट, ये वो सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। और एक आपको किसी बड़े शहर में यानी फैसलाबाद जाने की, लाहौर जाने की या मुल्तान जाने की, किसी बड़े सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होल सेल रेट्स के अंदर जो है वो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस शहर के अंदर जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। बहुत खूब बिलाल, आप बताइए कि अब आगे और कोई और ब्रांड लाने का भी ख्याल है आपका? कंपटीशन का दौर है ना? जी जी बिल्कुल, ब्रांड्स इंशाल्लाह आते रहेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड्स और भी आएंगे जैसे जैसे फरमाइशें बढ़ती जाएंगी और मेल्स फीमेल्स फरमाइशें करते रहेंगे इंशाल्लाह, वैसे वैसे अपने जेन से ब्रांड्स इंशाल्लाह लॉन्च करते रहेंगे। क्या नेक्स्ट आपके क्या ख्याल आते हैं कि आप बिज़नेस को कैसे सेटल करेंगे कि हर किस्म का कस्टमर आपके पास खुशी खुशी आए, चीज़ ख़रीदे और मुतमिन होकर जाए? शॉप्स में बाहर मार्केट्स में या रेडी वाला कस्टमर जो होता है वो कहते हैं, छोटे तबके वाला वो कहते हैं कि मैं यहाँ से चीज़ ले लूँ। तीन तबके होते हैं, एक लो लेवल होता है, एक मीडियम होता है और एक जोन से हाई अपर होता है। वो हाई वाला जेन लेके आता है कि मॉल में जा रहा हूँ मैं हाई वाली ही चीज़ मिलनी चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि वो आता है और आके कहते हैं कि मॉल में है ये चीज़, यहाँ पर लो लेवल वाली क्यों पड़ी हुई है। हमने हर तबके को टारगेट बनाया कि आप में से कोई भी आ जाए,
अगर कोई मिसाल के तौर पे एक टोटा लेना चाहते हैं ना, एक कट पीस का पीस लेना चाहता है, तो उसके लिए खुली कट पीस भी रख दे कि आप कट पीस ले लें, 130 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर का टोटा लेना चाहें वो भी मिल जाएगा। अगर आप 40,000-50,000 वाला सूट लेना चाहते हैं तो वो भी आप बाई कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। अगर टॉयज़ के हवाले से, अगर छोटी जो टॉयज़ छोटे होते हैं 100-200 रुपये वाले, 150 रुपये वाले, वो लेना चाहें वो भी मिल जाएगी। गाड़ियाँ लेना चाहें तो गाड़ियाँ भी रिमोट कंट्रोल वो भी अवेलेबल होंगे, वो भी आप 20,000-22,000 वाली वो भी परचेज कर सकते हैं आप। जैसे इंशाल्लाह सबको टारगेट बनाए, जैसे कहते हैं कि एक छत के नीचे, एक छत तले आपको हर चीज मिलेगी। तो बिलाल ये बताइए कि आप भी नौजवान हैं और अली भी नौजवान है, और आजकल के नौजवान जो हैं वो कारोबार में अगर आना चाहें, कुछ करना चाहें, तो आप आज के हमारे माशरे के नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं वो कारोबार की जानिब आएँ, और थोड़े सरमाए से भी अगर वो शुरू करना चाहें तो कैसे करें और क्या करें? जो कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, हम क्या चाहते हैं, हम डिग्री पकड़ते हैं और किसी बड़े महकमे में मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। एक रेडी वाला है, एक रेडी वाला ये कभी भी नहीं सोचता है कि मैं रेडी वाला, मैं लाहौर में एक दफ़ा विजिट पे गए तो वहाँ पे मैंने एक शख्स से देखा, वो टिक्की बेच रहा था, नान टिक्की जो होती है, आवाज़ लगा रहा था ऊंची ऊंची, तो देखने में वो पढ़ा लिखा लग रहा था। तो मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? उसने कहा बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ मैं। उसने अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे फ़लानी डिग्रियाँ ली, फ़लानी डिग्रियाँ ली। आप स्ट्रगल मेहनत क्यों कर रहे हैं? असल में जो नौजवान तबका है ना, वो मेहनत को पीछे रख देता है, मेहनत को पीछे रख के डिग्रियाँ उठा के दूसरे अफसरों को दिखा रहा होता है मेरी ये डिग्री है, मेरी ये डिग्री है। आप अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी मेहनत दिखाएं। मेहनत तीन तरह से, मैं आज के नौजवान तबके के लिए भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेहनत तीन तरह से है। तीन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए मेहनत करें तो आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। एक, अपना हदफ मुतय्यन कर लें कि मैंने इस जगह पर जाना, इसमें आप नियत भी कह सकते हैं कि एक नियत बना लें, एक अज़म इरादा कर लें कि मैंने ये करना। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम जिस्मानी तौर से मेहनत कर लेते हैं, अकली तौर पे नहीं करते, नहीं करते। हम अकली तौर पे भी मेहनत करें, जिस्मानी तौर पे भी मेहनत करें। कुछ तबका ऐसे है जो अकली तौर पे मेहनत करता है, जिस्मानी तौर पे नहीं करता। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले अज़म इरादा करें, फिर जिस्मानी तौर पे भी कुव्वत मेहनत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ, अगर मेरा जो सफाई करने वाला है ऑफिस बॉय जिसे कहते हैं, ऑफिस बॉय नहीं आता तो मैं अपने ऑफिस की खुद सफाई कर लेता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप अकली तौर पे भी मेहनत करें, जिस्मानी तौर पे भी मेहनत करें, और नीयत का बहुत बड़ा दारोमदार है, नीयत भी रखें। और आपके चैनल के तवसुस से एक और बात करना चाहूँ, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत अरशाद फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। इसमें तवक्कल को बहुत दारोमदार है। आप अल्लाह की ज़ात को मुकद्दम रखते हुए, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए मेहनत करें। एक काफिर भी है, वो भी मेहनत करता है, उसकी भी मेहनत रायगाह नहीं जाती, तो एक मुसलमान की मेहनत की रायगाह कहाँ से जा सकती है? अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर आपको ज़िंदगी में देते हैं। अब मैं नहीं कहता कि ये मेरी मेहनत है, आप अगर देखेंगे तो मेरी उम्र जो है उस हिसाब से जो स्टेटस है वो मैच नहीं करता कि स्टेटस भी है और उम्र भी है, तो इसने इतनी स्ट्रगल नहीं की, इसके पीछे मेहनत, अबाऊ अजदाद की मेहनत, वालिद साहब की मेहनत। तो आपकी मेहनत कभी भी रायगाह नहीं जाती, वो किसी ना किसी जगह पर आपको किसी ना किसी स्टेटस पे, किसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है। वो आपके पीछे माँ बाप की मेहनत हो, आपके पीछे आपके भाई बहन की मेहनत हो, वो किसी ना किसी जगह आपको लाके जरूर खड़ा करती है। चाचा, आपके कारोबार के बारे में सुना, आपसे बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक आपके कारोबार में और बरकत डाले और आपको आवाम की और ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान खालिद महमूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।